आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। संगम एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी। उन्होंने सभी देश के मतदाताओं से चुनाव में भागीदारी करके लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस साल की थीम नथिंग लाइक वोटिंग आई फॉर श्योर से प्रेरित होकर हम सभी मिलकर चुनाव में सक्रिय भागीदारी को मजबूत करने और अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि सरकार इस साल से 21 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर धन्ना भगत जयंती मनाएगी। सीएम ने कहा कि जितने भी महापुरुष हैं हम उनकी जयंती मनाते हैं और ये धन्ना भगत की जयंती पहली बार प्रदेश स्तर पर मनाई जाएगी। कई साल बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला पहुंचे और जाट धर्मशाला में सबसे पहले पहुंचकर सर छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और जाट समुदाय के बारे में कहा कि जाट समुदाय सभी को साथ लेकर चलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जाट समाज की बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जाट समाज के लोगों की डिमांड थी कि कुरुक्षेत्र में कहीं पर छात्र के लिए छात्रावास हो। इसके लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड या हुड्डा से जमीन जरूर दिलवाई जाएगी और वहीं जाट समाज के लिए 51 लाख देने की घोषणा की। देहरादून में 15 लाख की धोखाधड़ी के मामले में एक अफ्रीकी नागरिक को मोहन गार्डन दिल्ली से स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने गिरफ्तार किया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड द्वारा साल का दूसरा विदेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एसटीएफ ने 10 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, 3 डेबिट कार्ड, 2 नोट बुक बरामद किए। सामरन और बनिहाल में भारत जोड़ो यात्रा का दोपहर का चरण रद्द कर दिया गया। खराब मौसम और भूस्खलन के चलते यात्रा रद्द कर दी गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। यात्रा 27 जनवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की और गन्ने के दामों पर गठित पुनर्विचार समिति की रिपोर्ट सौंपी और इस दौरान मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल गिरोला पहुंचे जहां गिरोला के एसआई हेलीपैड पर सीएम का स्वागत किया गया। सीएम राजीव युवा मतदान क्लब के सदस्यों के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए गिरोला पहुंचे। कल पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। ऐसे में देहरादून के परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा देहरादून के परेड मैदान में 10:30 पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही कई विभागों के द्वारा झांकियां दिखाई जाएंगी। साथ ही 26 जनवरी को देखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परेड मैदान के आसपास रूट को डायवर्ट किया गया। शाहजहांपुर में एक नाबालिग छात्रा का शव तालाब किनारे बोरी में मिला जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। छात्रा पिछले 15 दिनों से लापता थी और वहीं हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए और मामले की गहनता से छानबीन की। फरीदाबाद में अधिकारियों ने सरपंच, पंच, जिला पार्षद और ब्लॉक समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में विकास कार्यों को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इस दौरान बड़े अधिकारियों के साथ तिगांव के विधायक राजेश नागर मीटिंग में मौजूद रहे। वाशिम जिले में यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ रही है और यात्रियों को ले जाते समय नियमों का पालन नहीं करने पर जिला परिवहन शाखा की ओर से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में भारत सरकार की ओर से अग्निशमन विभाग को एक अत्याधुनिक वाहन सौंपा गया जिसकी क्षमता 12,000 लीटर फुट पानी है और सांसद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। इस अवसर पर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर, जिला अधिकारी और तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ पत्रकार राजीव ओझा के पिता के निधन पर उनके गोरखपुर स्थित आवास पर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात। भिंड में एक बस ओवरटेक करते समय सड़क किनारे पलट गई। हालांकि हादसे में सवारियों को मामूली चोट आई जिन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य अस्पताल भेजा गया। सहारनपुर में थाना मंडी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नकली नोट छापने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया। बदायूं में छात्रों में आपस में मारपीट हो गई। छात्रों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। स्कूल में छुट्टी मिलने के बाद बीच रोड पर जमकर हंगामा हुआ।
झज्जर में प्रवासी मजदूर की बेटी ने आत्महत्या की, परिजन के मोबाइल ना देने पर युवती ने आत्महत्या की। सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार युवक घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। अल्मोड़ा में पंपिंग पेयजल योजना का शिलान्यास हुआ। विधायक महेश जीना ने किया शिलान्यास। ग्रामीणों ने विधायक का किया जोरदार स्वागत। 35 गांव में पेयजल योजना का मिलेगा लाभ। मौके पर जिला महामंत्री ईए सुनील जोशी रहे मौजूद। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। ताराचंद जोशी को नगर अध्यक्ष बनाया गया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ताराचंद जोशी ने नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर संगठन की मजबूती के लिए काम करने की बात कही। उत्तराखंड का मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दो दिनों में पर्वतीय इलाकों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है और वहीं मैदानी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को सलाह दी गई है। मसूरी में आज एक सड़क हादसा हो गया। लंडोर बाजार में तेज रफ्तार बाइक ने एक युवती को टक्कर मार दी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीयों ने युवती को उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए महिला को हायर सेंटर रेफर किया। देहरादून में सड़क हादसे में पलटन नगर निगम का वाहन, सड़क के दोनों तरफ जाम लगा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। झांझरा के होटल द एलिंजा के पास में घटना हुई। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने और पंचमुखी जल विग्रह उत्सव डोली के ऊखी मठ से धाम रवाना होने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर घोषित की जाएगी। यह तिथि शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के अनुसार मंदिर के पदाधिकारियों, अधिकारियों और विद्वान आचार्यों की मौजूदगी में घोषित होगी। गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर कुंड से गुप्तकाशी की ओर जा रही सड़क बदहाल। भूधसाव के चलते सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं सिंगोली भटवाड़ी पार प्रोजेक्ट के पास में इस सड़क पर सुरक्षा वॉल नहीं बनाई गई, जिससे हादसों का खतरा बना। बीते रोज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस के अन्य सभी दिग्गज नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, और इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ आपदा को मुख्य बिंदु में रखा गया। करण माहरा ने बताया कि राहुल गांधी ने जोशीमठ आपदा को बेहद गंभीरता से लिया, जिसके तहत उन्होंने पूर्व में ही ये अध्ययन किया। करण माहरा ने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि जोशीमठ में बिना अध्ययन के विकास कार्य हो रहे हैं, जहां कंट्रोल ब्लास्टिंग होनी चाहिए वहां पर लगातार ब्लास्टिंग हो रही है। 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, और उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कल से शुरू होने वाली कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में वो खुद देहरादून में मौजूद रहेंगे। इसके बाद वो हाथ से हाथ जोड़ यात्रा में शामिल होने के लिए हरिद्वार जाएंगे। करण माहरा ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंतर्गत 6 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही माहरा ने बताया कि 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे और डोर टू डोर जनता से संपर्क करने का काम करेंगे। मधुबनी के देवधा थाना क्षेत्र में नकाबपोश हथियारमंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर से लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची, घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। फिलहाल जांच में जुटी पुलिस। बागेश्वर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संगठन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। उन्होंने विकास भवन परिसर में नारेबाजी के साथ धरना दिया। साथ ही वो 6 सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं होने पर आक्रोश जताया। हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का प्रमाण पत्र आदि बनवाने का काम ठप हो गया, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका संगम एक्सप्रेस की। बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। देहरादून में एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले ग्रो का भंडाफोड़ किया। एसटीएफ ने
सेलाकुई थाना क्षेत्र में छापेमारी करके दो लोगों को अरेस्ट किया जो कि फर्जी आधार कार्ड, सरकारी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी करते थे। मौके से फर्जी सरकारी हॉस्पिटल की मोहर के साथ कई लोगों के फर्जी प्रमाण पत्र और 26 आधार कार्ड बरामद किए। जौनपुर के मछली शहर ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी मामले में खंड शिक्षा अधिकारी बसंत शुक्ला का कहना है कि मामले पर संज्ञान लिया गया। जहांगीरपुर में किशोरी से हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। खुलासे के दौरान पुलिस ने मृतका किशोरी के पिता और दादा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। किशोरी के पिता और दादा ने किशोरी को गांव के ही दो लड़कों के साथ अश्लील हरकत करते पकड़ लिया और किशोरी के साथ मारपीट की, जिसमें किशोरी के सदमे में मौत हो गई। जौनपुर के बदलापुर में अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार पर तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई में ट्रक और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान दो लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पिहानी के जहानी खेड़ा चौकी क्षेत्र में NH 24 पर हुआ। इस मौके पर ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई तो वहीं एक अन्य के इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रैक्टर अजवापुर चीनी मिल से लौट रहा था। सूचना पर पहुंची पिहानी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमरोहा में सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने खोए हुए 81 मोबाइल बरामद किए। 12 लाख रुपए के मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने मोबाइल स्वामियों को लौटाए उनके फोन। मोबाइल स्वामियों ने किया पुलिस का धन्यवाद। ग्वालियर में हल्की बूंदाबांदी से मौसम ने करवट ली। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं, चंबल अंचल के कई इलाकों में हो रही बूंदाबांदी बारिश के चलते अंचल में कोहरे धुंध का असर। ग्वालियर में सुबह 100 मीटर से कम रही विजिबिलिटी। जम्मू कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर भारी हिमपात हुआ। वहीं कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है और वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कल से 28 जनवरी तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में जनवरी के अंत तक बादल छाए रहने तो वहीं रुक रुक कर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर के सिनेमाघरों में आज से पठान फिल्म का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पहले शो के दौरान लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी। शहर के बेला स्थित एक मॉल में आज करीब 1500 टिकट बुक हो चुके और वहीं इस फिल्म को देखने के लिए मोतिहारी के मेहसी से मुजफ्फरपुर लोग पहुंचे। यूपी स्थापना दिवस के मौके पर अंबेडकर नगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 26 जनवरी तक चलेगा। लोहिया भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ सैमुअल पाल एन ने किया और इस दौरान छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, साथ ही कई विभागों की तरफ से स्टॉल लगाए गए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है। वहीं आज की यात्रा चंद्रकूट से शुरू हुई लेकिन भारी बारिश और बर्फबारी के बीच में यात्रा स्थगित करनी पड़ी। राहुल गांधी जम्मू के लिए रवाना हो गए। यात्रा 27 जनवरी को बनिहाल से दोबारा होगी। कासगंज के कादरगंज गांव के पास में जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में साधु का शव मिला। साधु का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पेड़ से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में जुटी पुलिस। देशभर में कुछ संगठन पठान फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इन संगठनों ने पठान फिल्म को दिखाए जाने का विरोध किया और उसी कड़ी में पुलिस ने थिएटर्स को सुरक्षा प्रदान की है और उसके अलावा गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस खासतौर पर सतर्क। देश और भारत निर्वाचन आयोग का 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार बनाने में मतदाताओं की सबसे बड़ी भूमिका अहम होती है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की थीम पर 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार का वितरण किया गया। साथ ही मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लॉन्च किए गए थीम सॉन्ग का सीधा प्रसारण किया गया। बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनूप शहर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद असंतुलित होकर ट्रक दुकानों में जा घुसा। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। ट्रक कानपुर से मुरादाबाद सामान लेकर जा रहा था।
दंतेवाड़ा में लगातार चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान लोन बराजू के तहत बड़ी सफलता मिली, जहां पर गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले सीआरपीएफ और पुलिस के प्रयासों से 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और मुख्यधारा में जुड़ने का फैसला किया। सीआरपीएफ डीआईजी विनय सिंह ने इसको लेकर बड़ी सफलता हासिल की है और बताया है कि एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को स्थानीय भाषा गोंडी में देशभक्ति की शपथ दिलाई। कार्यालय भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो गया और इन 10 आत्मसमर्पित नक्सलियों में 2 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। भिंड में किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला किशोरी का शव। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहात थाना क्षेत्र के उदोरपुरा गांव की घटना। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दंपति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 70 किलोग्राम गांजा बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ थाना मानेसर में एनडीपीएस अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें कि बांदा जिले में 9849 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी। इस दौरान निवेशकों ने 1700 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कारोबारियों ने अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी और वहीं मंडल आयुक्त और जनप्रतिनिधियों ने उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की चौतरफा आलोचना हो रही है और इसी बीच गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली चित्रकूट में भी विवादित बयान को लेकर खासा रोष देखा जा रहा है। चित्रकूट में विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम संगठनों ने तहसील परिसर में दोनों नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया और दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारी और उनको भरोसा दिया, साथ ही धरना समाप्त कराया। दोनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। शेखर और स्वामी प्रसाद के खिलाफ आक्रोश। गणतंत्र दिवस को लेकर एक तरफ जहां देश भर में उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं शासन प्रशासन सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है और वहीं मेरठ में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से हुई। मेरठ में पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर एक्शन प्लान तैयार किया। शहर भर में पैदल गश्ती की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा, साथ ही संवेदनशील इलाकों में पीएसी और आरएएफ की कंपनियां तैनात रहेंगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर। पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल की जा रही है। ग्वालियर में भी शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध हो रहा है। बजरंग दल ने डीडी मॉल के बाहर पठान फिल्म के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने डीडी मॉल के बाहर चक्का जाम किया और थिएटर में फिल्म न चलने देने की चेतावनी दी। वाशिम हिंगोली मार्ग खस्ता हाल है। सड़क वाशिम जिले के विदर्भ और मराठवाड़ा के कई गांवों को जोड़ती है, लिहाजा खस्ता हाल सड़क के चलते ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी से सड़क की मरम्मत करने की मांग की। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक राजमाता विजयराजे सिंधिया की आज पुण्यतिथि। ग्वालियर में आज उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सूबे के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, सांसद विवेक नारायण समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने विजय राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन को प्रेरणादायक बताया। ग्वालियर के दंगियापुर गांव में हुई युवा की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने एक महिला और उसके 2 बच्चों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पिछले साल अंगद नाम के व्यक्ति का किसी बात को लेकर अपने भाई के साथ विवाद हो गया और विवाद के बीच अंगद ने पत्नी और बेटों के साथ मिलकर अपने भाई पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की बहू ने आत्महत्या कर ली। मामले में सरकंडा पुलिस ने रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक मृतका महिला का पति भोपाल से ट्रेनिंग करके लौटा था। रात में खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ। गणतंत्र दिवस को लेकर नौशहरा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा बल पर आने जाने वालों की कड़ी नजर। संगम एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।